बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है। इस कलर में मैंने ड्रोजा तैयार किया था, ये उसमें से बचा हुआ पीस है। ये डबल है और इसके साथ ये पीस जो है इसमें से थोड़े दो पीस मैंने निकाले थे। अब ये इतना ही बचा हुआ पीस है और चार पीस ये है ऊपर वाली साइड से जो पीस निकलता है, आसन वाली साइड से जो पीस निकलता है ये वो है। ये चार पीस है, दो ये है और दो ये है। और ये जो पीस है लंबाई में से निकला हुआ पीस है, इसे मैंने इस तरह से डबल कर लिया है और इसकी दरमियान से यहां से कटाई कर लूंगी। जो साइड से कपड़ा बचता है वाजू निकालने के बाद, ये वो वाला पीस है, इससे मैं पेटी तैयार करूंगी। ये डबल फोल्ड है, अब मैं इसे चार तह में फोल्ड कर लूंगी। कंधे की चौड़ाई लूंगी 4 इंच। गहराई लूंगे 4.5 इंच। आधा इंच मैंने ऊपर से तिरछी कटाई करनी है। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच। गहराई लूंगी 2.5 इंच। बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 1.5 इंच। यहां से मैंने 5.5 इंच रखा है नीचे से, और यहां पे मैंने तिरछा निशान लगाया है। यहां से मैं कटाई करूंगी थोड़ी थोड़ी सी। बैक साइड पे मैं 4 इंच पे कट लगाऊंगी, 4 इंच तक कट लगाऊंगी। ये जो मैंने डबल फोल्ड किया था ये वाला पीस पहले कटाई करूंगी। इसकी चौड़ाई 6 इंच है, इस पीस की भी चौड़ाई 6 इंच है। अब मैं साइड से तिरछा पीस उतार दूंगी। इसका भी साइड से जो तिरछा कपड़ा वो उतार दूंगी। इसकी चौड़ाई जो है 21 इंच है। इस पीस की चौड़ाई 27 इंच है। इसकी चौड़ाई ज्यादा मैंने इसलिए रखी है, इसके नीचे जो ये पीस अटैच होगा तो उसके ऊपर इस तरह से चोंच डलेंगी। और इसका पीस मैं निकालूंगी, वो मैं दरमियान में लगाऊंगी। इस पीस की मैं चौड़ाई लूंगी 4 इंच।
इसकी लंबाई लूंगी मैं 24 इंच। अब मैं ये जो पीस मैंने कटाई किए थे 6-6 इंच की, इनको मैं दोबारा से कटाई करूंगी क्योंकि मैंने बैक और फ्रंट साइड के लिए घघरी तैयार करनी है। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए बैक और फ्रंट साइड का पीस तैयार कर लूंगी। अब ये जो मैंने पीस कटाई किया था, इसका भी साइड वाला ये वाला कपड़ा जो है ये बॉर्डर उतार दूंगी। इसकी साइड वाला जो पीस होता है ये सादा, इसे मैं निकाल दूंगी। बाद में इसको भी मैं दरमियान से कटाई कर लूंगी, बैक और फ्रंट साइड के लिए तैयार कर लूंगी ये वाला पीस भी। ये पीस मैं 25 इंच का कटाई कर लूंगी। ये वाला फ्रंट साइड पे पीस अटैच करूंगी। अगर मैं इसकी दरमियान से कटाई करूंगी तो बिल्कुल ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह का मैं पीस बैक साइड के लिए भी तैयार कर लूंगी। कुछ कपड़ा जो है इसके साथ अटैच करते हुए इस तरह से ये वाला पीस अटैच करके मैं बैक साइड के लिए पीस तैयार कर लूंगी। इस पीस के ऊपर चोट्स डालूंगी धागा खींच के इस तरह से, और इसे इसके साथ अटैच करूंगी। उसके बाद इस पीस के ऊपर चोट्स डालूंगी और इसके नीचे इसे अटैच करूंगी। और उसके बाद इसके नीचे ये वाला पीस अटैच करूंगी यहां पे चोट्स डालते हुए। और बाकी के ये जो छोटे छोटे पीस मेरे पास बच गए हैं इनसे मैं कोशिश करके निकर तैयार कर लूंगी और गले पे ये वाली लेस अटैच करूंगी इस तरह से। इसके नीचे कपड़ा लगाने के बाद और कंधे में भी इसी तरह से यहां पे अटैच करूंगी। और ये कंधे में से बचा हुआ पीस है, इसे मैं इस तरह से नीचे रखते हुए गले का कपड़ा कटाई गले की कटाई कर लूंगी। जो मैंने गले के नीचे पीस अटैच करना है इससे मैं तैयार करूंगी। इस तरह से रख के यहाँ पे अटैच करूंगी और इसे सीधा कर लूंगी। उसके बाद ये वाली लेसेस के ऊपर अटैच करूंगी। इसी तरह से बैक साइड के लिए भी पीस तैयार कर लूंगी। ये पीस मैं गले की बैक साइड पे लगाऊंगी इस तरह से डबल करते हुए। तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर यहां पे सिलाई लगा दूंगी।
थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के रखूँगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो अटैच करना है। जिस तरह से मैंने बैक साइड पे पट्टी अटैच की है, इसी तरह से मैं फ्रंट साइड पे भी अटैच करने के बाद उसे इसी तरह से मोड़ लूंगी। अब मैं इसके पीस के ऊपर चोट डाल लूंगी। अब मैं पहले यहां पर रखते हुए लेस अटैच करूंगी। इसी तरह से बाकी पीस भी नीचे वाले इसके साथ अटैच कर दूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। इसके साथ मैंने निकर भी तैयार कर दी है। जो छोटे छोटे पीस बचे थे उनको आपस में अटैच करते हुए गले और कंधों पे भी लेस अटैच कर दी है। फ्रॉक की टोटल लंबाई जो है 16 इंच है। 4 से 5 माह की बच्ची की फ्रॉक बनी है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने ये स्टिच बटन अटैच कर दी है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ में मान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।